सो वेलकम गाइस इन दिस न्यू वीडियो। सो आज हम डीप डिस्चार्ज जो बैटरी है मेरे पास एक का है, लेकिन ये डीप डिस्चार्ज हो गया है 1.7 वोल्ट। सो 1.7 वोल्ट पे अगर मैं चार्जिंग करूँ तो चार्ज भी नहीं हो पा रहा है। वही मैं साथ में अगर किसी एक्टिव बैटरी देखूँ तो यहाँ पे 3.8 वोल्ट है, और 3.8 वोल्ट जो बैटरी है उससे मैं TP405 से चार्जिंग करूँगा। तो ये जो मॉड्यूल है, चार्जिंग मॉड्यूल है, काफ़ी ऑलमोस्ट और एक बेस्ट वे लिथियम आयन बैटरीज को चार्ज करने के लिए। तो यहाँ पे मेरा दूसरा कनेक्टेड है चार्जर को। यहाँ पे दो LEDs है, एक ग्रीन होता है और एक जनरली रेड होता है, लेकिन यहाँ पे ब्लू से रिप्रेजेंट किया है। तो एक्चुअली अगर हम किसी एक्टिव बैटरी को देखें 3.8 वोल्ट वाली, यहाँ पर हमें मतलब रेड LED मतलब ब्लू LED दिख रहा है, मतलब यहाँ पे चार्जिंग शुरू है। और चार्जिंग वोल्टेज देखें तो यहाँ पे हमें कॉन्स्टेंट वोल्ट मिलता है 4.25 वोल्टेज का, जो कि नॉर्मल है। वही मैं अगर इस बैटरी को लगाऊंगा तो यहाँ पे चार्जिंग नहीं हो पाता। अगर मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे दोनों LED ऑन है और इस मॉड्यूल का कंडीशन है अगर बोथ LED अगर ऑन है तो यहाँ पे चार्जिंग एरर होता है, चार्जिंग नहीं हो पाता और काफ़ी देर से इस पर चार्जिंग नहीं हो रहा। तो आपको अगर डीप डिस्चार्ज बैटरी को चार्ज करना है तो आपको एक्टिव बैटरी के पैरेलल में इसे लगाना है और फिर इसे हम मॉड्यूल को लगाएंगे। सो इस वे में यहाँ पे अभी देख सकते हैं कि एक ही LED शुरू हुआ है, मतलब चार्जिंग कंटिन्यू हुआ। सो इस प्रकार से आप किसी डीप डिस्चार्ज बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। सो की लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर।